दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको क्रियाओं को समझना होगा। यदि आप क्रियाएं नहीं समझते हैं, आपको बता दूं, एक सेंटेंस, अंग्रेजी का सेंटेंस जो बनता है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक वर्ब। यदि आपको वर्ब के बारे में जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप सेंटेंस मुश्किल ही बना पाएं। आप कैसे बनाओगे प्रेजेंट यदि आपको प्रेजेंट की क्रिया ही नहीं पता? आप कैसे बनाओगे पास यदि आपको पास की क्रिया ही नहीं पता? सब्जेक्ट बनाना तो आसान है, सब्जेक्ट में आप किसी को भी रख सकते हैं, आई, वी, हुई, ही, शी, इट, आप किसी को रख सकते हैं, व्यक्ति का नाम रख सकते हैं, लेकिन वर्ब कैसे रखेंगे? और बता दूं कि वर्ब में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि वर्ब, एक तो वर्ब के प्रकार भी होते हैं, कई प्रकार की वर्ब्स होती हैं जिनको समझना होता है। आपको बता दूं, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तीन प्रकार की, बहुत सरल तरीके से आप समझ सकते हैं, तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया होती है जिसमें एक्शन होता है, काम होता है, एक्शन, एक्शन मतलब कोई काम करना, आना जाना, खाना पीना, आ रहा है तो दिख रहा है कि वो आ रहा है, तो यहाँ पे एक्शन है, आने का काम हो रहा है, खा रहा है तो दिख रहा है कुछ क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, खा रहा है, वो डांस कर रहा है तो दिख रहा है कुछ कर रहा है, डांस कर रहा है, तो एक्शन है, तो एक एक्शन वाली क्रिया होती है। एक होती है जिसमें एक्शन नहीं होता है, जिसमें पजेशन होता है, पजेशन, ये पजेशन क्या होता है? तो पजेशन मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन बताना, रिलेशन या मालिकाना हक बताना, रिलेशन बताना, तो वो कहलाती है पजेशन, पजेसिव वर्ब। पजेसिव मतलब होता है रिलेशन बताने वाली, जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, तो ये पजेशन बता रही हैं, ये रिश्ता बता रही हैं, आई हैव अ पेन, ये एक मालिकाना हक बता रही हैं कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ कार, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ओके, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, आई हैव मैनी बुक्स ऑफ इंग्लिश, यू नो मेरे पास इंग्लिश की कई किताबें हैं, तो आप मालिकाना हक बता रहे हैं कि मेरे पास क्या है, और रिलेशन भी आप बताते हैं कि आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे पास दो भाई हैं या मेरे दो भाई हैं। तो एक प्रकार की क्रिया ये होती है जिसको हम कहते हैं हैव हैज, इसका काम होता है पजेशन बताना, रिलेशन बताना, और एक हमने देखा हुआ था एक्शन बताती है, एक्शन मतलब कोई काम करना कि हम आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, यू नो टहलते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी क्रियाएं आती हैं एक्शन में, एक्शन वर्ब। और फिर एक आती है, छोटी सी क्रिया है, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें, एक प्रकार है बी, होना या ना होना, एक ये प्रकार होता है, होना या ना होना, जैसे कि यह एक पेन है, देखिए हमने कहा मेरे पास एक पेन है, तो एक रिलेशन बता रही है कि मेरे पास क्या है, ये पजेसिव का सेंटेंस है, पजेसिव वर्ब का, आई हैव अ सेंटेंस, लेकिन हमने कहा ये एक पेन है, तो अब यहाँ रिश्ता बताने की बात नहीं हो रही है, अब होने ना होने की बात हो रही है कि यह एक पेन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यह ब्लैक है, तो मैं होने ना होने की बात कर रहा हूँ, मैं रिश्ता नहीं बता रहा हूँ, ना मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्शन भी नहीं है, यहाँ पे पजेशन भी नहीं है, यहाँ पे होना है ना होना है, यहाँ पे हमने कहा कि ये महंगा है या सस्ता है, तो होने ना होने की बात हो रही है, ये जो है वाइट बोर्ड है, तो ये होने ना होने की बात हो रही है, ये मेरे मित्र हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, धरती गोल है, आम बहुत मीठे हैं, तो ये होने ना होने की बात हो रही है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ना ही यहाँ पे रिलेशन है। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जहाँ कोई एक्शन नहीं होता है, एक्शन कि वो जाता है, खाता है, आम कटते हैं, तो यहाँ पे एक्शन जब नहीं होता है और रिलेशन भी नहीं होता है, तो वहाँ पे एमेजार के सेंटेंस होते हैं। तो ये एमेजार के सेंटेंस हैं, और दोस्तों बता दूँ कि एमेजार की क्रियाएँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यदि आप इनको नहीं समझते हैं तो आप बेस छोड़ देंगे। अधिकतर कई बार हमें पता नहीं होता है कि होने ना होना भी वर्ब हैं, लेकिन होना ना होना वर्ब होती हैं। और बता दूं, इन सभी क्रियाओं के पांच पांच रूप भी होते हैं, पांच रूप होते हैं सभी क्रियाओं के, जैसे आपने सुना है गो एंड गॉन, उसी प्रकार इनके भी रूप होते हैं, इनके भी रूप होते हैं, जिनको कई बार हम हेल्पिंग वर्ब बोलकर किनारे कर देते हैं, इनके भी पांच रूप होते हैं, सभी के पांच रूप होते हैं, सभी यहाँ मेन वर्ब है, मेन वर्ब, यहाँ तक कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब इनको कहते हैं तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे इसको हेल्प की आवश्यकता पड़ती रहती है, ये मेन वर्ब है एक्चुअली। तो चलिए देखते हैं कि इनके कुछ और भी प्रकार, इनके कुछ और पिछले वर्ब हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब जो हमने बताए थे, इनके नाम लिखकर देख लेते हैं कि इनके नाम कौन कौन से हैं। जैसे हमने कहा था, इसको हम बताते हैं, कहते हैं बी वर्ब, इसको हम कहते हैं पजेसिव वर्ब, इसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। और दोस्तों एक छोटी सी बात और आपको बता दूँ, जो शायद यूट्यूब में बहुत मुश्किल से मिल जाए,
मुश्किल से मिलेगी दोस्तों, आप सर्च करिएगा, थोड़ा सा मिल भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल से मिल सकती है। आपको एक बात बता दूं कि इनके आपने इनका नाम पढ़ा होगा, इसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट को आप फर्स्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्रिया के प्रेजेंट रूप को आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन फर्स्ट के पहले भी कुछ होता है, फर्स्ट के पहले भी एक रूप है जिसके बारे में जानना आपको बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कारण है कि आप प्रेजेंट को बोलकर प्रेजेंट के सेंटेंस बना लेंगे, प्रेजेंट के सेंटेंस बना लेंगे, पास्ट है पास्ट के सेंटेंस बना लेंगे, पास्ट पार्टिसिपल भी है, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ऑलरेडी पास्ट ही है, मतलब थर्ड फॉर्म के नाम से आप इसको जानते हैं। प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर कहाँ है? फ्यूचर कैसे बनाओगे आप? फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, क्रियाएं 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 फ्यूचर नहीं बता पाती हैं, अंग्रेजी की क्रियाएं फ्यूचर नहीं बता पाती हैं, इसीलिए आपको फ्यूचर बताने के लिए प्रेजेंट के पहले एक और रूप आता है उसके बारे में पता होना आवश्यक है। अगर नहीं पता है तो आप फ्यूचर शायद ना बना पाएँ, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो तीनों हैं, तीनों का जो उत्पत्ति हुई है, तीनों क्रियाओं की उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति हुई है बी से, बी कह सकते हैं शॉर्ट में कि बी इनके पिता हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि बी पिता हैं एमिजार के, एमिजार के जब फ्यूचर बनाएंगे तो जब एमिजार का सेंटेंस होगा, एमिजार जो वहाँ क्रियाएं होंगी वो एमिजार बी बन जाएंगी, एम इज आर तीनों में से कोई भी होगा तो वहाँ वो बी बन जाएगा, क्योंकि एमिजार तो प्रेजेंट हैं और आपको लाना है सिंपल फॉर्म विल शैल कैन कुड मे माइट के बाद, तो वो बनेंगी सीधे बी। कैन यू इमेजिन इट हैपन्स? ओके, देन पजेसिव वर्ब आती हैं, तो पजेसिव की उत्पत्ति किस क्रिया से हुई है, और वो क्रिया है हैव, इसको कहा जाता है रूट फॉर्म, मतलब पिता जिनसे बाकी बने हुए हैं, तो ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, ये इसका सिंपल रूप है, रूट फॉर्म है सिंपल रूप। एंड देन एक्शन वर्ब की बात आती है, तो ये बेसिक वर्ब है, गो बेसिक, बेसिक इनको बेसिक भी कहा जाता है, सिंपल भी कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं, जिनसे बाकी क्रियाएं बनी हुई हैं, तो गो इसका सिंपल रूप है, मतलब प्रेजेंट से पहले भी एक रूप होता है जिसके बारे में जानकार, जिसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप निश्चित है कि फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। और किसी भी मॉडल के बाद आप कौन सा रूप रखेंगे क्रियाओं का? क्या आप प्रेजेंट रखेंगे किसी मॉडल के बाद? कैसे हो सकता है? किसी भी मॉडल के बाद आप प्रेजेंट फॉर्म नहीं रख सकते हैं, ना पास्ट रख सकते हैं, ना पास्ट पार्टिसिपल रख सकते हैं, तो ये क्रियाओं के बाद इस क्रियाओं के रूप को पता होना, रूप का पता होना बहुत आवश्यक है। चलिए, हमने बताया हुआ थोड़ा सा आगे और देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि इनका प्रेजेंट होता है, इनका पास्ट भी होता है, तो इनका पास्ट होता है, आपने शायद पढ़ा हो कि एमिजार का पास्ट होता है वॉज वर, ये इसी का रूप है दोस्तों, बी का ही रूप है, और हैव का जो पास्ट होता है वो होता है हैड, और गो का पास्ट होता है वेंट, शायद आपने ये सुना हो गो वेंट। एंड देन थर्ड फॉर्म भी आती है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, और इसका होता है हैड, और इसका होता है गॉन, ये इसके रूप, ये इसके बाकी रूप हैं, मतलब कि ये पास्ट पार्टिसिपल का रूप है, ये पास्ट पार्टिसिपल है दोस्तों। इसका एक और रूप होता है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म वो भी सरल है, आपको आईएनजी केवल रूट फॉर्म में लगानी है और वो आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। तो ये होते हैं दोस्तों पांच रूप, आईएनजी फॉर्म यहाँ पे आप लगा सकते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे मतलब बीइंग हैविंग एंड गोइंग, तो ये फिर पांचवा रूप बन जाएगा, पांचवा रूप बहुत सरल है, आगे हम एक पिछला एक वीडियो हमने बनाया हुआ है उसमें जाके आप पांचवा रूप देख सकते हैं। जैसा कि हमारा मेन फोकस था कि आज बताना कि कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं, क्योंकि आगे आने वाले सेंटेंसेस उसी पे डिपेंड करते हैं कि आप क्लियर तरीके से समझ सकें कि तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तीन प्रकार की, एक क्रिया होती है एक्शन, मतलब कुछ करना, आना जाना, खाना पीना, बोलना, जैसे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं आप बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं, आई एम, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ मैं क्या हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम राम, आई एम फ्रॉम जबलपुर, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, तो हम बता रहे हैं कि हम क्या हैं। तो यहाँ पर ये सारे एमिजार के सेंटेंस क्या करते हैं, बताना,
कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसी है, और फिर आती है एक्शन मीन्स पजेसिव वर्ब। तो इसके माध्यम से आप बता सकते हो आपके पास क्या है। जैसे कि आप कह सकते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो आप यहाँ पे हैव के बाद कुछ भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं और वो चीज़ आपकी हो जाएगी। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव मच मनी, आई हैव अलॉट ऑफ टाइम, आई हैव नो टाइम, यू नो आई हैव मैनी बुक्स, आप कुछ भी रख सकते हैं, यू हैव। तो इस प्रकार से आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं और आपके पास बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे दोस्तों। आर यू रीडिंग? कि यहाँ पे आप कुछ भी रख के सेंटेंस बना सकते हैं, ढेर बना सकते हैं। देन आती है एक्शन वर्ब। अब यहाँ पे आप जैसे आपने एम रखा था, ये वाली क्रियाएँ, फिर आपने ये क्रिया रखी, फिर आप एक्शन वर्ब भी रख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। अब ये एक्शन वर्ब की क्रिया हो गई, एक्शन। अब आप काम बता रहे हो, क्या करते हो, आई गो। कहाँ जाते हो आप बता सकते हैं, आई गो टू, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे अब आपने एक्शन वर्ब रख दी। दोस्तों देखिए, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है, सबके अपने अपने काम है, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, कोई एक दूसरे की क्रियाओं में नहीं घुसेगा। आप नहीं कह सकते आई एम गो, अगर आप आई एम गो करोगे दोस्तों, कैन यू इमेजिन कि आप कह रहे हो आई एम गो, तो इसका अर्थ आप ये कह रहे हो मैं क्या हूँ, आई एम गो, मैं गो हूँ, आप ये बताना चाह रहे हैं। अगर ऐसा गलती कर देते हैं, कई बार हमने देखा है कई लोग यहाँ पे एम इज़ार भी लगा देते हैं कि एम के साथ गो लगा दिया, नहीं, सारी क्रियाएँ अलग अलग हैं, सबके स्ट्रक्चर अलग हैं, सब स्वतंत्र क्रियाएँ हैं। हेल्पिंग वर्ब कभी कभार ही होती है, ये कभी कभार हेल्प करती है, तो यहाँ हेल्पिंग, अदरवाइज यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया है, वही मेन वर्ब है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई गो। हाँ, एक्शन वर्ब में ढेरों क्रियाएँ हैं, बहुत सारी क्रियाएँ हैं, कोई भी काम आप रख दीजिए। जैसे कि आप कह सकते हैं आई गो, आई कम, मैं आता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई राइट, मैं लिखता हूँ। तो इस प्रकार से आप ढेर सारी क्रियाएं रखते जाएं और सेंटेंस आराम से आप बना सकते हैं, ढेर सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, और सेंटेंस बनते जाएंगे आपके। चाहे किसी के भी सेंटेंस आप बनाना चाहें, आप एम इज़ आर के सेंटेंस बनाना चाहें, आप आई एम रख दें या यू आर रख दें, यू के साथ आर आता है, किसके साथ इज आएगा, किसके साथ आर आएगा, हैज किसके साथ आएगा, इसके हमने वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रोनाउंस की वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप बहुत आसानी समझेंगे किसके साथ कौन सी क्रिया आती है। अभी हमारा फोकस है कि किस किस कौन किस किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। तो यहाँ पे आप एम इज़ आर के सेंटेंस बनते हैं, आई एम लगा सकते हैं, यू आर। तो जहाँ आपने आई एम, जितने सेंटेंस आई एम से बनाए थे, सब जगह आई एम की जगह यू कर सकते हैं, यू आर कर दें और सेंटेंस डबल हो जाएंगे। आई हैव, यू हैव, आई गो, यू गो, ही गो, शी गोज, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हालांकि ये क्रियाएं बहुत टफ होती हैं, थोड़ा सा कई बार समय देके समझना होता है, कई बार वीडियो देखना होता है एक ही चीज़ को, तब जाके हम समझ पाते हैं। सो दोस्तों, आई होप कि आज आपको एक छोटी सी छोटा सा वीडियो क्रियाओं के ऊपर समझ में आया होगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।